दर्शन के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे। से दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, मैं आ गया तेरे द्वार पे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। आज के दिन हम हमारे पहले जो विश्वासी सिधार चुके हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। हमारे निकटतम माता पिता, पूर्वज, भाई बहन, रिश्तेदार, सबों के हम याद करें और उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर अपनी करुणा दया से उनको जल्द ही स्वर्ग में प्रवेश करें। हम अपने किए हुए पापों के लिए पछताएं और उसी क्षमाशील दयावान ईश्वर से क्षमा और शांति प्राप्त करें। और सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर हम पर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर हम पर, कृष्ण दया कर, कृष्ण दया कर, कृष्ण दया कर हम पर, कृष्ण दया कर हम पर, प्रभु दया कर हम पर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने मृतजन पुत्र को महिमान्वित किया है। तेरे प्रिय सेवक सेविकाएं मृत्यु पर विजयी होकर अपने सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता के
अनंत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इसायस का ग्रंथ। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पृथ्वी पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर लेता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा
जय घोष। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। बेथेनिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। प्रिय बच्चों, युवक युवतियों और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माता कलीसिया हमें इन दिनों इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हाँ, यह यात्री कलीसिया के हम सदस्य हैं, हम यहाँ प्रवासी हैं, परंतु हमसे पहले जो लोग यहाँ से गुजर चुके हैं, कुछ लोग संतों की संगति में गिने जाते हैं, और कुछ लोग जो हमसे पहले मर गए हैं और स्वर्ग तक नहीं पहुँचे, शोधक अग्नि में हैं, हम उनके लिए विशेष आज के दिन प्रार्थना करते हैं। तो यह हमारा संबंध हम जोड़ा रखते हैं संतों में और जो मृत विश्वासीगण हैं उनमें। जो संत घोषित किए गए हैं माता पवित्र कलीसिया ने, और उस स्वर्ग में
और असंख्य लोग हैं जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, जिन्होंने ईश्वर को सारे तन मन दिल से प्यार किया और अपने पड़ोसी को प्यार किया, और जिनका जीवन शुद्ध था, पवित्र था, वे सब संतों की संगति में गिने जाते हैं, स्वर्ग में ईश्वर की जय जयकार करते हैं। और वे लोग हैं, वे अब तक स्वर्ग नहीं पहुँचे, जिनके जीवन में कुछ कमी रह गई है, हो सकता है उनके लघु पाप थे जिनकी उनको पाप क्षमा मिली है, परंतु ऐसे भी लोग होंगे जो आत्ममारू पाप किए हैं, उनको पापों की क्षमा मिली, परंतु जो उनको वो दंड का मोचन होना है वह नहीं हो पाया। अब वे अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, पर हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, कि जैसे कि अपनी प्रार्थना द्वारा, जैसे कि हमारे तपस्या त्याग द्वारा हम उनके लाभ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, यह सब चढ़ा सकते हैं, ताकि वे सोने चांदी के समान शुद्ध हों, पवित्र हो और ईश्वर अपने राज्य में उनको प्रवेश दिलाएं। आज के दिन प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपना आदर प्रेम उनके प्रति प्रकट करते हैं अपने इस मिस्सा में शामिल होने से, और विशेष करके अपने भले कार्य करने से, अपने त्याग प्रार्थना द्वारा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की सिद्धि तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त तथा कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह भेंट प्रभु ख्रिस्त के विश्वास में मृत सभी भक्तों के लिए ग्रहण कर। हम
अनुपम बलिदान के प्रभाव से वे मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर अनंत जीवन का आनंद प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा महिमामय पुनरुत्थान की आशा दी है। जब हम अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं तो अमरता की प्रतीक्षा हमें दिलासा देती है। हे पिता, तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है, क्योंकि जब मृत्यु के द्वारा यहाँ का निवास समाप्त हो जाता है, हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा, और इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर,
हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा हमें प्रेम से सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों की सुधि ले जिनको तुमने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जिसने बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृतकों के सहभागी बने हैं, वैसे भी उनके पुनरुत्थान की भी सौभाग्य प्रदान करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन और सभी मृतकों को अपने परम दर्शन के सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युगान युग में तेरे विश्वस सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरी स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा योगान योग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान युग जीता रहता और राज करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है हम जो मेमने के प्रीतिभोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा सब वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमीन। हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त के आगमन की बाट जोते हैं। वे हमारे तुच्छ शरीर का नवनिर्माण करके अपने प्रतापमय शरीर के सदृश बना दें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारा बलिदान ग्रहण कर और अपने मृत सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने उन्हें बपतिस्मा की कृपा से भूषित किया है, अब उन्हें स्वर्गिक आनंद से भी आह्लादित कर दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। शांति में जाइए। यह मिस्सा समाप्त हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद। एक अंश है।
मन को छुड़ा के